पकड़ने के लिए आए हुए हैं। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, यह है इंडियन रेड स्नेक। आप देख सकते हैं ये अपने अनुकूलित वातावरण में जा चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से दोस्तों ये अपने अनुकूलित वातावरण में दोस्तों ये दोस्तों सबसे खतरनाक है। हाँ, यह हुई ना बात। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको भी धरी में स्पेक्टिकल, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, आज इन सांपों को दोस्तों हम जंगलों में रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, यह है इंडियन रेड स्नेक। आप देख सकते हैं ये अपने अनुकूलित वातावरण में जा चुका है। चलिए इसको खोलिए, ये वाला है, वो वाला। ये भी दोस्तों इंडियन रेड स्नेक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से दोस्तों ये अपने अनुकूलित वातावरण में दोस्तों निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों है हमारे भारत का सबसे बड़ा जहरीला रसल वाइपर। ये आप देख सकते हैं इस करीब, बाप रे इतना तेज आवाज। दोस्तों आप लोग को मैं इसका रियल दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा सांप आपके घर में दिखाई पड़ता है, अगर ऐसा सीटी मारता है तो उससे आप सावधान हो जाइए। इसलिए आप लोग को मैं सुना दे रहा हूँ इसका सीटी, जैसे कुकर सीटी मारता सेम वैसा ही सीटी मारता है ये। चलिए इसको छोड़ो, अब जाए जंगल में। वैसा नहीं जाएगा, वैसा नहीं जाएगा, गुस्सा करेगा वो। हटो वहाँ से, बगल हो जाए, अभी जाएगा वो। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर इसे इसके अनुकूलित वातावरण में दोस्तों रिलीज कर दिया है, और अभी दोस्तों ये आराम से ये जो है चला जाएगा। दोस्तों हुंकार भरते हुए ये अभी जा रहा है अपने अनुकूलित वातावरण में, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों भारत का ऐसा जहरीला सांप है कि हर घरों में पाया जाता है, ये हर मोहल्ले हर गली में पाया जाता है। ये इस सांप का दोस्तों एक ही खासियत है कि सीटी मार करके पहले से सावधान कर देता है कि आप मेरे से सावधान हो जाइए, मैं आ चुका हूँ। इसलिए इस सांप से दूरी बना के रखिए और इनसे छेड़खानी बिल्कुल ना करें। और कोई अजगर का बच्चा नहीं है दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि अजगर का बच्चा है ये, और अजगर का बच्चा समझ करके इसके साथ लोग खिलवाड़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें प्लीज। ये दोस्तों सबसे खतरनाक है, ये चलना इसका चलने का तरीका ही कुछ अलग है।
गया दोस्तों, निकल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपने अनुकूलित वातावरण में काफ़ी तेज़ी से दोस्तों ये निकल रहा है। ये है दोस्तों रसल वाइपर, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों अपने अनुकूलित वातावरण में जा चुका है। ये कौन सा सांप है? ये भी दोस्तों इंडियन रसल वाइपर है, ये आप देख सकते हैं। लाओ इधर लाओ, छोड़ो। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपने अनुकूलित वातावरण में दोस्तों काफ़ी तेज़ी से जो है निकल रही है, आप देख सकते हैं। और ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से ये अपने अनुकूलित वातावरण में निकल रहा है। दोस्तों आप लोग से गुजारिश करता हूं कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और आप लोग दोस्तों भी बेजुबानों को बचाएं, हमें बुला करके इसको बचाने का काम करें दोस्तों, क्योंकि सांप जो होते हैं हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे अपने अनुकूलित वातावरण में इस घने जंगलों में निकल जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों है हमारा स्पेक्टिकल, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा फंड खड़ी आओ इनका। अरे सर थोड़ा फंड दिखा दीजिए, उसके बाद जाइए आप, हम कहाँ रोक रहे हैं आपको। हाँ यह हुई ना बात। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको अभी धरी में छोड़ देता हूँ और ये अपने अनुकूलित वातावरण में जा चुका है। ओके बाय। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं इन सांपों को दोस्तों हम इस अनुकूलित वातावरण में लाकर रिलीज कर दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और बेजुबानों को बचाना दोस्तों हमारा सबसे बड़ा धर्म बनता है, क्योंकि दोस्तों मालिक ने दया नाम की चीज़ इंसानों में दे रखा है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि सांप कहीं भी निकलता है तो आप हमें ज़रूर बुलाइए और बेजुबानों को बचाने का आप लोग भी काम करिए, क्योंकि दोस्तों एक अकेला इंसान दोस्तों कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ में आप लोग का हाथ नहीं रहेगा, आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद नहीं रहेगा। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा, और आप लोग बना के रखिए और इस भाई को आप लोग सपोर्ट करिए, घनश्याम बाबा रेस्क्यू टीम को सपोर्ट करिए। और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे बेजुबानों को रिलीज करते हुए और इनके अनुकूलित वातावरण में छोड़ते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।